हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने प्यारे चैनल मोटर जोन पे और मैं हूँ आपका साथी संजीव स्वामी। तो दोस्तों, ये जो पंच देख रहे हो आप सामने, मेरे सामने खड़ी है, ये है पंच का टॉप मॉडल और ये है जयपुर की फर्स्ट गाड़ी जो टाटा पंच है। इवन राजस्थान की भी आई थिंक फर्स्ट गाड़ी होगी जो ये पंच जो निकली थी, ये राजस्थान की भी, वो जो ओनर है वो हमें कन्फर्म करेंगे, बट जयपुर की ये फर्स्ट गाड़ी है। आज हम जो है इनका ओनरशिप रिव्यू जानेंगे। तो इससे ऊपर दोस्तों कुछ नहीं आता है टाटा पंच के अंदर, तो आज जो है इनके ओनर से जो है हम आज पूरा ओनरशिप रिव्यू जानेंगे। तो सर रोहित सर आइए, आपका स्वागत है। हेलो सर, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू। तो सर सबसे पहले आप ये बताइए, करते क्या हैं आप? मेरा रियल एस्टेट का काम है और हेल्थ इंश्योरेंस का काम। अच्छा, तो सर एक बात बताओ, पंच कैसे मिल गई आपको? अक्टूबर को हमारे को मिल गई थी, हम लोग देखने गए इसको जब यहाँ आई थी, 16 तारीख को यहाँ पे आ गई थी, 16 अक्टूबर को हमने कहा कि हमें चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा जुगाड़ लगाया, 20 अक्टूबर को हमें डिलीवरी मिल गई। अच्छा, 20 अक्टूबर को आपको डिलीवरी मिल गई? तो अपनी भी जो पंच मैनुअल है वो 20 अक्टूबर को ही हमने डिलीवरी ले ली थी। तो चलो ठीक है, एक सेम डे जो डिलीवरी हुई है। तो दोस्तों अभी जो हम अंदर चल के जो है बात करेंगे बाकी चीजें। सर हम अंदर चलते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा है ना, रोड पे शोर शराबा जरूर है, तो अब अंदर चलते हैं, साथ में ड्राइविंग करेंगे और साथ में बात करेंगे। तो देखिए मैं आपको इसका जो पीछे का और थोड़ा सा लुक दिखा देता हूँ, कुछ इस टाइप का जो है इसका ये है लुक है। टॉप मॉडल है, इसका वॉक राउंड वगैरह काफ़ी मैंने किया है, आप जो है चैनल पे जाके देख सकते हो। तो चलिए अब हम चलते हैं गाड़ी के अंदर और फिर बताते हैं आपको। तो चलिए अब हम चलते हैं गाड़ी के अंदर, बैठ जाते हैं। देखिए आपको मैं गाड़ी का थर्ड सुना देता हूँ, काफ़ी अच्छा है, सीट बेल्ट लगा लेते हैं। और रोहित भाई अब आप सबसे पहले मुझे ये बताओ जी कि आपने 20 अक्टूबर को पंच ली थी जी, पंच लेने का प्लान कैसे बना आपका? पंच लेने का प्लान थोड़ा सा क्या है कि हमें ऑटोमेटिक ही गाड़ी लेनी थी। बेसिकली क्या है कि मेरी वाइफ के लिए मुझे हमें गाड़ी लेनी थी, तो हमें HBX का तो देखा हुआ था कि HBX आएगी, लेकिन पता नहीं था कि कब तक आएगी। अच्छा, फिर हमने और लेनी थी, ऐसी गाड़ी लेनी थी जो मजबूत हो, मजबूत हो, रेटिंग जिसकी 5 स्टार हो, कम से कम 4 स्टार तो एटलीस्ट हो, और मेंटेनेंस भी ठीक ठाक हो और एवरेज भी अच्छी हो, और पैकेज मतलब एक तरह से पूरा पैकेज हो जिसमें हमें बाहर से आफ्टर मार्केट कुछ लगाना ना पड़े। अच्छा। तो हमने सबसे पहले XZA प्लस टिगोर देखा, टिगोर बुक किया आपने? टिगोर, हाँ टिगोर बुक करा, लेकिन टिगोर में फिर बाद में ये बताया कि हो सकता है कि नया मॉडल आ जाए, उस टाइम कुछ लग रहा था कि किसी ने बोला अपग्रेडेड आएगा, तो किसी ने बोला, मेरे टाटा में ही कुछ थे जान पहचान के, तो उन्होंने बोला कि भैया इसका कुछ आ सकता है नया, तो हमने कहा ठीक है। फिर हमने उस टाइम इनका जस्ट नया नया फेसलिफ्ट आया था, टियागो का फेसलिफ्ट आया जी, और हमने टियागो भी, हमने कहा चलो टियागो ले लेते हैं, तो फिर टियागो बुक करा दिया। टियागो का भी XZA प्लस टॉप मॉडल हमने ऑटोमेटिक बुक कराया, क्योंकि एक ऑटोमेटिक गाड़ी होती है तो घर में सब चला लेते हैं। तो आपको स्पेशल रिक्वायरमेंट थी कि आपको AMT चाहिए थी? AMT ही चाहिए था। ओके, ऑटोमेटिक चाहिए था आपको, तो आपने पहले टिगोर से टियागो पे आ गए। हाँ, तो सेडान से आए आप हैचबैक पे, आपको थोड़ा सा ऐसे नहीं लगा? हैचबैक पे आने का रीजन था जस्ट बिकॉज, क्योंकि उन्होंने सिर्फ इतना सा बोला कि इसका कोई अपग्रेडेड मॉडल आ सकता है। अच्छा, तो हमने कहा कि, हमने बोला कि किधर चल रहे हैं, तो भाई हमने कहा चलो ठीक है भाई इस तरफ, अब आप बोलते हो क्या? उन्होंने बोला कि आप टियागो लीजिए। तो आपने जो टिगोर से टियागो पे स्विच हो गए, किस लिए कि आपने बोला कि? हमें इन्फॉर्मेशन थी कि ये इसका नया मॉडल आने वाला है। क्योंकि बीच में ये सुनने में आ रहा था कि जो अल्ट्रोज है उसको एक तरह से लंबा कर देंगे, तो अच्छा, ये था। और हाँ, लेकिन वो फेक न्यूज थी, ऐसा कुछ था नहीं। तो फिर उसके बाद में टिगोर में नहीं जाने का दो तीन रीजन, एक दो रीजन थे। एक तो उसका जो बूट स्पेस जो था ना, उसका जो पूरा था, वो डिक्की जो जो होती है वो पूरी ऊपर तक खुलती है, तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम आती है सामान लाने निकालने करने। हाँ, उसमें बूट लिप भी काफी बड़ा था। बहुत बड़ा था। और एक उसका जो सबसे मेजर था, वो जो डोर ओपनर होते हैं, वो मुझे ये समझ में नहीं आया टाटा ने ऐसा क्यों किया। टिगोर टियागो में तो दे दिया जो इस तरह का आता है, और टिगोर में अभी भी वही ऊपर जो ले रखा है, वो मारुति वाला जो पुराना, जो 800 मारुति में, तो नहीं पहले ये चीज टियागो में भी आती थी जी। हाँ। लेकिन वो फेसलिफ्ट के बाद उन्होंने वो खत्म कर दिया, तो उसमें नहीं किया, तो वो एक तो वो रीजन था कि यार इतना पैसा भी खर्च करेंगे और उसमें भी डोर ओपनर, तो वो क्या इतना मैटर नहीं था। लेकिन एक आप जब इतना पैसा खर्च कर रहे हो, तो फिर आप सोचते हो कि एक अपग्रेडेड चीज मिले, ताकि बाद में आपको ये रिग्रेट ना हो कि यार ये क्या ले लिया। तो इस वजह से आपने टिगोर कैंसिल करके टियागो ले ली? हाँ, टिगोर कैंसिल करके टियागो बुक करा दी। फिर टियागो बुक कराई, हमें एक साल हो गया था लगभग, हमने
14 जनवरी के आसपास हमने हमने इसको पेमेंट कर दिया था, बुकिंग अमाउंट दे दिया था हमने 14 से 20 जनवरी के आसपास। हमने कहा ठीक है इसको उठा लेंगे, जल्दी उठा लेंगे। फिर लेकिन इन द मीनवाइल कुछ वाइफ के साथ आइस के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो फिर हमने थोड़ा सा डिले कर दिया उसको। फिर डिले किया तो 5-6 महीने बाद पता लगा कि इसके आने के चांसेस बन रहे हैं। HBX के उस टाइम आने लग गए थे कि टाटा की कोई नई अच्छी सी गाड़ी आ रही है। तो फिर हमने जब इसके कुछ देखे, स्पाई शॉट्स वगैरह देखे, तो हमने कहा कि अब तो फिर गाड़ी यही लेंगे। अच्छा, उनसी गाड़ी। तो फिर आपको इसको बुकिंग कैसे करवाई और तुरंत मिल गई आपको? बुकिंग कन्वर्ट करा दी थी। एक्चुअल में क्या है कि हमारे एक मित्र हैं, मित्र कह लीजिए, तो वो हमारे टाटा में ही हैं। तो हम गए उनके पास, तो उन्होंने बोला, उसकी भी एक कहानी उनसे जान पहचान क्यों हुई, जान पहचान ऐसे हुई कि हमें टिगोर ऑटोमेटिक लेनी थी जो कि जयपुर के किसी भी शोरूम पर अवेलेबल नहीं थी। वो कहते हैं कि आप मैनुअल चला के देख लो। अब लेनी AMT है, मैनुअल चला करके देख लो, समझ में नहीं आया मुझे। एक्चुअली क्या है सर, आज के टाइम में जो है ऑटोमेटिक ज्यादा प्रिफर की जाती है, बट लोगों की सेट यही हो रखा है कि मैनुअली लेनी है। तो और शोरूम वाले हैं उनको तो बेचनी है, कोई भी मिल जाए उनको तो बेचनी है, भाई मेरे पास जो है मैं उसको चिपका दूं कस्टमर को, ये कहानी रहती है जी। तो फिर आपने इसको बुक करवा लिया और ये आपको मिल गई। बेसिकली क्या हुआ, हमें ये जब ये शोरूम पे उन्होंने कहा कि आपको ये 16 अक्टूबर के आसपास ये शोरूम्स में आने लग गई थी गाड़ी की, हाँ अब ये डिस्प्ले के लिए आ गई। तो हम ये डिस्प्ले देखने गए, तो हमें देखते ही पहले नज़र में ही समझ में आ गई कि अब तो और किसी को ये गाड़ी लेनी नहीं, लेनी है तो यही गाड़ी लेनी है, अदरवाइज लेनी ही नहीं है। लेकिन उस टाइम तक भी प्राइस क्लियर नहीं हुए थे, हमारा जो बजट हम लेके चल रहे थे 7.5-8 लाख रुपये तक का, टॉप मॉडल AMT का जो Tiago आ जाती है उसमें। तो ये आपको कितने की पड़ी? ये हमें पड़ी 10,71,000 रुपए की, मतलब लगभग 11 लाख रुपए के आसपास। हाँ, ये गाड़ी पड़ गई। तो हाँ, आपको क्या लगता है 11 लाख रुपए इसके ऊपर लगाना वर्थ था? देखिए वर्थ तो बिल्कुल ठीक है, ये सवाल बहुत सारे YouTube चैनल्स पे भी आते हैं, मैंने बहुत, और मेरे को काउंटर भी होते हैं क्योंकि सब लोग ऐसे बोलते हैं। अब इसमें मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, आप 10,71,000 में और क्या चाहते हो एक गाड़ी में जिसमें आपको सब कुछ मिल रहा है? सही है। अगर नेक्सॉन लेते आप ऑटोमेटिक? नेक्सॉन में मुझे, अगर मैं ऑटोमेटिक लेता तो मुझे ना तो रिवर्स पार्किंग मिलता, हाँ, ना टच स्क्रीन मिलता, ना मुझे ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट AC मिलता। हाँ, मतलब ना मुझे उस वेरिएंट में जो 10.5 लाख में, 10.5 लाख में आता, और ना ही मेरे को उसके वो मिलते हैं अलॉय व्हील्स मिलते हैं। तो मुझे सारा सब कुछ जो है वो मुझे सारा सब कुछ कराना पड़ता उसमें। हाँ, और वो फिर कोई भी गाड़ी में नहीं आता इतने वो में। बिल्कुल, इस गाड़ी में आप मुझे बताए कौन सी गाड़ी में आता है? बिल्कुल जायज बात है, आपको फीचर सारे चाहिए तो मुझे सारे फीचर चाहिए थे, और मुझे आफ्टर मार्केट कुछ भी नहीं करवाना था। अच्छा, ये थी आपकी आफ्टर मार्केट। मुझे एक आप एक बात बताएं, अगर मैं अगर इसका कोई भी एक लोअर वेरिएंट लेता और उसमें मैं बाद में कहता कि चलो मैं अलॉय व्हील बाहर से लगवा लूंगा, ये भी मैं म्यूजिक सिस्टम भी बाहर से लगवा लूंगा, ये भी आजकल सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ, लेकिन बिलिंग प्राइस तो उतना ही रहेगा। बिल्कुल राइट राइट राइट, आप चाहे 5 लाख रुपए ऊपर लगा दो लेकिन बिलिंग प्राइस तो उस मॉडल का उतना ही रहेगा। अब ये इसमें जो RC में लिखा हुआ है क्रिएटिव, तो ये क्रिएटिव ही रहेगा एंड ऑफ द डे, जब तक ये गाड़ी बिल्कुल रोड से गायब नहीं हो जाएगी। बिल्कुल। और दूसरा रीजन, अगर हम रीसेल करते हैं तो उस समय मॉडिफिकेशन को तो ऐसे ही वो गायब कर देते हैं, वो 5 लाख रुपए आपके वेस्ट जाते हैं। उस टाइम आपका कोई मतलब नहीं निकलता कि आप कितना ही पैसा लगा लो उस पे। तो इसके अंदर सर आपको कोई डिस्काउंट मिला? डिस्काउंट बेसिकली मुझे कोई डिस्काउंट नहीं था, क्योंकि जयपुर की जो यहाँ पर हमारे जगतपुरा का है जो टेक व्हील्स हैं उनसे हमने लिए है इसको, और बहुत अच्छा उनका रहा। तो और ये आपकी जयपुर की फर्स्ट गाड़ी? बिल्कुल, ऑब्वियसली जो मैं जब भी इसको लेके निकलता था तो सब कहते थे कि आपको मिल कैसे गई। इवन हर रेड लाइट पर मतलब मुझे 4-5 क्वेश्चन का जवाब देना ही पड़ता था। तो ये तो कहानी सर मेरे साथ अभी भी हो रही है, मैंने भी मतलब 20 अक्टूबर को ही मैंने उठाई है। बेसिकली ये हेड टर्नर है ये गाड़ी। हाँ, आप कहीं भी जाएंगे ना, हाँ, हाँ, तो आपको मुड़ के तो एक बार तो सब देखते ही हैं कि ये। और दूसरा इसके अंदर जो है टाटा ने कलर भी बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन दिए कलर के। मेरे पास जो मिस्ट कलर है ना उसको तो स्पेशली जो, हाँ, देखते हैं ना बोलते हैं यार वास्तव में क्या गाड़ी बिल्कुल जो है लेके आए। तो सर इससे आप ये बताओ डिलीवरी एक्सपीरियंस कैसा रहा टाटा वालों के साथ? डिलीवरी एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमें मतलब बिल्कुल स्मूथली कोई दिक्कत नहीं आई। एक दिन में हमारा लोन हो गया, एक दिन हार्डली एक दिन लगा हमारे को लोन में, हमने
और अभी तक आपको कितना किलोमीटर चला दिया अभी तक गाड़ी आपने? मेरी 7,360 किलोमीटर चली। दिखाना एक बार ये देखो, 7,360 किलोमीटर चल चुकी है। तो अभी तक आपने इसकी सर्विस करवाई? सर्विस दो हो चुकी है, एक तो जो शुरू की जो होती है 1,500 से 2,000 किलोमीटर के बीच में जो होती है, एक तो वो हो चुकी है इसकी, एक 6,000 किलोमीटर वाली भी हो चुकी है। तो आपका कितना खर्चा आया? 358 रुपए आया 6,000 वाली खर्च। और आपका जो सर्विस एक्सपीरियंस है, मैंने सुना है टाटा वाले का सर्विस एक्सपीरियंस खराब बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए टाटा का वहाँ पे जो एडवाइजर है, जो सुपरवाइजर है, वो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। अरिहंत भाई, मैं मतलब उनका नाम भी बताता हूँ आपको, टेक व्हील्स का ही है, सीतापुरा में। सीतापुरा या जगतपुरा? सीतापुरा में, सीतापुरा है। हाँ, जो टेक व्हील्स वालों का है वो सीतापुरा में है, वहाँ पे अरिहंत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया इंसान। मतलब वो एक ही चीज़ आपसे सुनेगा सारी, उसको नॉलेजेबल है, पहली बात तो वह बंदा है नॉलेजेबल, आप कोई चीज़ बताओगे तो उनको नॉलेज है। ओके और दूसरी चीज़, बहुत सी चीज़ें होती है, अब देखिए वो सेल्स पार्ट है तो कि ये भी है वो भी है, बम्पर का कवर है, इंजन का कवर है, फ्लूड जो ऑयल वगैरह जो अपना स्क्रीन वॉशर है वो मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सब पता है क्योंकि वो तो अपनी सेल्स करेंगे, क्योंकि वो सेल्स है। तो मैंने वो सब हटवा दिया, तो मेरे को लगभग उन्होंने 3200 समथिंग का कुछ बनाया था, लेकिन मेरा कुछ भी नहीं हुआ, मुझे मात्र 358 रुपये लगे मेरे। और तो ओवरऑल आप सर्विस और डिलीवरी से खुश? सर्विस तो, सर्विस पार्ट में मैं टाटा के लिए एक दो चीज़ें बोलूँगा, बाकी अभी भी थोड़ा सा देखिए उनको वो करना पड़ेगा, उनको इस चीज़ पे वर्कआउट। आप कोई गाड़ी लेते हो तो आप वहाँ पर उनका जो टेक व्हील्स वालों का वैसे सब कुछ ठीक है सर्विस, आप अगर आप पिक एंड ड्रॉप वाली चीज़ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर पिक एंड ड्रॉप नहीं है और अगर आप वहाँ जाते हो तो उनका जो वेटिंग लाउंज है वो एक तरह से लगता है कि आप ड्राइवर हो और ड्राइवर का जो लाउंज है वो है। अच्छा। उसको इस चीज के लिए बहुत सुधारना पड़ेगा उनको। अच्छा, इस चीज में थोड़ा सा इस सर्विस के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, वेटिंग वाला जो वेटिंग और जो उनका जो वेटिंग एरिया है, मतलब एक तरह से, मतलब मैं बताऊं तो वो अप टू द मार्क नहीं है, जो एक टाटा का एक जो टाटा ने जिस तरह से मार्केट कैप्चर किया है ना, उस हिसाब से वो चीज नहीं है। काफी लोग जो है टाटा के सर्विस के मामले में बहुत बुरा भला कहते हैं, तो उस बात से आपका क्या रिव्यू है? देखिए ये पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है, और होने को तो मेरे पास इससे पहले जो फोर्ड थी, फोर्ड है, मारुति भी है घर में, तो वो ये आपका वेरी करता है कि अगर आप कहाँ पे सर्विस करा रहे हो और कौन सा किस जगह पर है। तो आपके पास, चलो इसी पे एक बार बात कर लेते हैं, आपके पास पहले कौन कौन सी गाड़ियाँ थी? मेरे पास सबसे पहले स्टार्टिंग में मेरे पास थी सेंट्रो जिंग, वो मैंने सेकंड हैंड ली थी। ठीक है। हाँ, लेकिन वो मेरा डिसीजन अच्छा नहीं रहा, वो फिर मैंने साल भर चलाई उसको और निकाल दिया उसको। उसके बाद में? फिर उसके बाद मैंने ली फोर्ड फिगो, जो पुराना मॉडल था इनका 2012 में। और उसके बाद में? उसके बाद फिर मेरे पास एक वैगन आ रहा है ऑटोमेटिक, वो फादर मदर के लिए है। और उसके बाद टाटा? उसके बाद फिर ये टाटा पंच है। तो आपके पास चार कंपनियों की गाड़ी है, मेजर। तो आप सर्विस के मामले में सबसे बेस्ट कौन सा लगा अभी तक? फोर्ड सर्विस के मामले में। मारुति, हुंडई मेरे पास उस टाइम वो सेकंड हैंड थी, तो मैंने वो आफ्टर मार्केट ही सर्विस कराता था, तो मेरा कभी पाला पड़ा नहीं उनके उनसे। और मारुति की? मारुति में कुछ भी नहीं है, बेकार है, कितने ही यहाँ पे सर्विस सेंटर हैं और गाड़ियाँ ले लेंगे और वो धो करके कुछ कर देंगे, कुछ भी नहीं, बेकार है। तो मतलब मारुति और टाटा में से अगर आपको टाटा, बिल्कुल टाटा का एक्सपीरियंस ठीक है। मारुति के आपका वहाँ जा के आप देखोगे ना, तो वैसे होता ना कोई, मतलब आपका कोई सुनवाई नहीं है, आप आ गए हाँ ठीक है गाड़ी छोड़ जाओ कर दो, उनको सिर्फ रेटिंग है, वो रेटिंग भी खुद ही नोट करते रहते हैं और खुद को खुद ही रेटिंग देते हैं। तो ये चीज़ है ना, मैं मतलब मेरी तीसरी बार हो रही है किसी यूजर के साथ, मैंने मारुति का अभी तक ऐसा कुछ ओनरशिप रिव्यू नहीं बनाया, बट ये एक्सपीरियंस जो है मुझे दो तीन बंदों ने और भी बता दिया कि मारुति की सर्विस है भाई खराब है। तो मारुति वालों एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो देख रहे हो तो प्लीज मारुति वालों से मेरी भी एक रिक्वेस्ट है, कितना देती है पे कॉन्सेंट्रेट करने की बजाय अगर आप सेफ्टी भी देखोगे ना, लेकिन अब तो गडकरी जी ने साहब 6 एयरबैग दे दिए तो ये बच गए एक तरह से, मान लीजिए वो तो आएगा तब आएगा सर, वो तो आ जाएगा, लेकिन अब ये है कि अब आने ही वाला है, वो भी हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बताऊं, टाटा और महिंद्रा ने जो मार्केट कैप्चर किया है ना, तो मारुति को इस चीज पे बहुत जल्दी ध्यान देना नहीं, सर्विस के मामले में भी मारुति जैसे आप बता रहे हो उनकी टॉप सेलिंग गाड़ियां रहती है, लगभग महीने में 1.5 लाख के आसपास जो है गाड़ियां सेल करते हैं, ऐसा सर्विस का हाल है? सर्विस देखिए सर क्या होता है कि सर्विस का हाल इसीलिए तो है ना कि आपके पास साधन तो सीमित है। हाँ। आपके पास मैन पावर भी सीमित है, एक एक बंदे के पास 5-5, 6-6 गाड़ियां आप अगर हो गए तो कितना ध्यान दे पाएगा मुझे बताइए आपके ऊपर। आज मैं अगर आपको गाड़ी दूंगा तो मुझे 3-4 घंटे में गाड़ी सर्विस पे मिल जाए वापिस,
सही है, क्योंकि सही पूरा है। दिन तो हर किसी, देखिए गाड़ी एक ऐसी नेसेसरी वाली चीज़ हो गई कि आप इसको एक एक दो दो दिन तक नहीं छोड़ सकते। तो आपकी रनिंग कितनी को हो जाती है सर जयपुर जयपुर में लोकली रनिंग? जयपुर में मेरी मिनिमम रनिंग जो है डेली की 70-80 किलोमीटर है। तो आपने डीजल पे ट्राई क्यों नहीं किया? डीजल नहीं लेनी थी। डीजल का रीजन ये था कि एक तो ऑटोमेटिक में, और वैसे भी अब BS6 इंजन में डीजल में अब कुछ ऑप्शन बचे नहीं AMT में, और AMT अब और पेट्रोल में जो गाड़ी आ रही है अब वो क्या है कि आने वाले समय में अब सारा पेट्रोल और डीजल का गैप भी बराबर ही हो गया है। हाँ सही है, सही है। तो ये बताओ इसकी एवरेज कितनी देती है आपकी गाड़ी? एवरेज देखिए मैंने अब कई लोग आपको बोलेंगे कि मैं झूठ बोलूंगा, मैं आपको स्क्रीनशॉट्स भी दे दूंगा मेरे, और अगर अभी देखें दिखाना एक बार, तो अभी आप देखिए कि ये 17 का तो ये अभी दे रही है, 17 का दे रही है, और हम बहुत आराम से चल रहे हैं। और अभी हम RPM देखिए 1000 के RPM पे हैं, बहुत आराम से चल रहे हैं। मैंने इससे हाईवे पे एग्रीगेट करूं तो 24 के आसपास लिया है, और सिटी में 18-19 का आराम से देती है। काफी अच्छा है सर, सेफ्टी भी है, एवरेज भी है, मतलब मारुति तो कहीं पे भी नहीं रही। अब मारुति कितना देती वाला तो ये भी दे रही है, साथ में सेफ्टी भी दे रही है। वही तो बोल रहा हूँ आपको, क्या अगर मारुति ने ज्यादा ध्यान जल्दी से नहीं दिया ना तो मारुति का हाल भी वही हो जाएगा, वो टॉप 2 या टॉप 3 में आ जाएगी, क्योंकि टाटा बहुत जल्दी से रिकवर करने वाला, बहुत तेजी से मार्केट कर रहा है, पकड़ रहा है। नहीं, काफी अच्छा कर रहा है। तो सर आपने कोई लॉन्ग ट्रिप पे गए हो अभी तक? मैं इससे अभी बीकानेर गया था, बीकानेर में मैंने इसे एवरेज लिया, जो मैंने लिया 20-21 का, क्योंकि मैं 100 पे चल रहा था, तो RPM पे इतना ध्यान दिया नहीं मैंने। अदरवाइज अगर आप 2000 RPM पे रखो इसको, और अगर आप आराम से चलाओ 80 के अंदर चलाओ, तो ये आराम से आपको 23-24-22-23 का आराम से इजीली आपको एवरेज देगी, वो भी इको मोड में। सबसे बड़ी बात है इसमें क्रूज कंट्रोल तक भी दे दिया, और क्या चाहिए आपको? क्रूज कंट्रोल का आपको यूज हुआ बीकानेर के? बिल्कुल, मैंने किया, मैं करता हूँ, 60 से प्लस आती है इसका क्रूज कंट्रोल यूज करता हूँ मैं। तो हाईवे पे इसकी स्टेबिलिटी कैसी है सर? बहुत शानदार। खुश हो, कोई मतलब ऐसा नहीं फील होता आपको? बेसिकली क्या ऐसा लगता है कि आप एक सेफ गाड़ी में बैठे हो, ऊंचा बैठे हो, सेफ बैठे हो, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है। तो मुझे जो मेरे को जो बेसिकली क्या, मुझे थोड़ी सी हैवी गाड़ियां पसंद है, जैसे मेरे पास फीगो थी पुरानी, तो वो भी काफी स्टेबल थी, बहुत अच्छी थी, उससे भी बहुत लंबे लंबे ट्रिप पे गए। अब इससे हम लेटेस्ट, अब हम शायद हो सकता है या तो नैनीताल चले जाएं या उदयपुर चले जाएं। अच्छा, तो बहुत होली तो आपने बीकानेर गए तो आप क्रूज कंट्रोल भी यूज किया? बिल्कुल किया। AMT थी तो आपको कहीं ऐसा नहीं लगा भाई मतलब सब कुछ फ्री चल रहे हैं? देखिए मेरे को क्या आदत हो गई है अब AMT चलाने की, तो मुझे ऐसा कुछ फर्क लगा नहीं, लेकिन हाँ सिर्फ कभी कभी। अब देखिए हमें कोई रेस तो किसी से लगानी नहीं है, तो मुझे बहुत ज्यादा पावर चाहिए, अगर पावर ही चाहिए तो भाई फेरारी लो फिर, आप 1.5-2 लाख की गाड़ी से आप क्या उम्मीद करोगे आप। और दूसरी बात, अपने इंडियन रोड्स ऐसे नहीं है कि आप इसमें 100-120 की स्पीड पे आप आराम तेजी से चला रहे हो, फिर आप एक्सप्रेसवे पे जाएंगे, एक्सप्रेसवे पे आप हर जगह एक्सप्रेसवे तो नहीं है ना, तो 80-90 की स्पीड भी मेरे हिसाब से बहुत सफिशिएंट स्पीड है कि जिसमें आप एक आप फैमिली के साथ जा रहे हो तो एटलीस्ट आप सेफ हो। अच्छा, तो अब ये बताओ ये टाटा की गाड़ी है, AMT है, ये ऑटोमेटिक तो है नहीं फुली? जब आप ओवरटेकिंग के टाइम पे देखिए थोड़ा बहुत तो रहेगा, क्योंकि 3 सिलेंडर गाड़ी है, आप इससे क्या एक्सपेक्ट करते हो? 3 सिलेंडर तो ओवरटेकिंग के टाइम पे जैसे अगर आप अगर क्रूज कर रहे हो, आपके सामने अगर आपको लग रहा है कि अचानक से कोई गाड़ी नहीं आ रही तो इजीली हो जाता है, लेकिन आपको ऑल ऑफ सडन अगर आपको करना पड़ता है तो लैग है बिल्कुल। और सिटी के अंदर? सिटी के अंदर तो सर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। और सर एक चीज और बताओ, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस 187 के आसपास ग्राउंड क्लियरेंस? जी 188 के आसपास। तो उसका कहीं आपको बेनिफिट मिला? बहुत बेनिफिट है। मैं बेसिकली क्या है कि मेरी वाइफ गवर्नमेंट जॉब में है, तो मैं उन्हें सुबह ड्रॉप करने जाता हूँ, तो वहाँ हद से ज्यादा स्पीड ब्रेकर है, और बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर है, मतलब मैं देखता हूँ जाते हुए गाड़ियाँ, तो कई बार तो वो लटक जाती हैं जो अपनी सेडान टाइप की होती है, तो वो बेचारी वो तो कोई टेढ़ा कर रहा है, कोई मीढ़ा कर रहा है, ऐसे करके निकालने, तो ये बड़ी इजीली कहीं से भी निकल जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती इसमें। अच्छा, और इसका जो है AC का आउटपुट आपको कैसा लगता है? AC पावरफुल है, म्यूजिक सिस्टम अच्छा है। म्यूजिक सिस्टम हरमन का म्यूजिक सिस्टम तो खैर बेस्ट है, इसका बेस्ट इन क्लास है ये, तो ये मान लीजिए कि इससे बड़ी अगर आपके ऊपर की सेगमेंट की गाड़ियों की बात करेंगे ना तो उससे भी अच्छा है। अच्छा, एक चीज और बताते हैं टाटा के बारे में, शिकायत करते हैं कि
बहुत ज्यादा नॉइस करती है, बहुत ज्यादा वाइब्रेशन करती है। नहीं, इसमें कोई वाइब्रेशन, आप देखिए ना चल रही गाड़ी, कोई वाइब्रेशन नहीं है। वाइब्रेशन एक्चुअल में आपको क्या है कि आपको फील होता है क्लच पे होगा, वहाँ पे क्लच इसमें है नहीं, ठीक है। दूसरी चीज इसमें डायना प्रो जो इन्होंने जो भी टेक्नोलॉजी दी है उससे टिगोर एएमटी से, और अगर आप टिगोर एएमटी चलाओगे और इसको चलाओगे तो ये बहुत रिफाइंड है, और बाहर की नॉइस मतलब इसका इंजन नॉइस वगैरह आपको फील होती है। इंजन नॉइस देखिए, थ्री सिलेंडर तो थोड़ा सा नॉइजी तो है, लेकिन एनवीएच लेवल जो इतना उतना नहीं है जितना होता है, जो आप अगर आप उसमें टिगोर में महसूस करोगे ना, टिगोर या टियागो में आप देखोगे तो उसमें ज्यादा, इसमें नहीं है इतना रिफाइंड है काफी फिर। अच्छा एक चीज और, आपने नाइट ड्राइविंग की है? नाइट ड्राइविंग में मैंने की है, लेकिन नाइट ड्राइविंग मेरी ज्यादा नहीं है। मैं बेसिकली ड्राइव ज्यादातर कोशिश करता हूँ कि मैं दिन में ही ड्राइव करूँ, रात में ज्यादा ड्राइव ना करनी पड़े। अच्छा एक बात बताओ सर, इसका जो हेडलाइट यूनिट हेडलाइट बिल्कुल इसके अंदर प्रोजेक्टर हेडलैम्प बिल्कुल है। मैं आप पहले आप अपना क्वेश्चन पूछिए फिर मैं आपको पूरा। नहीं, उसका आउटपुट कैसा है? मैं ये देखिए मैं आपको बताऊँ, अगर आप सिटी में चल रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप इसको हाईवे पे लेके जाते हो तो इसका जो प्रोजेक्टर और जो ऊपर जो एलईडी जो अपना H4 लगा हुआ है, हैलोजन का लगा हुआ है, उसमें बड़ा गैप है। मैं मेरी शिकायत है टाटा वालों से, मैं 2-3 बार भी बोल चुका हूँ, और अभी लेटेस्ट इनके पास अभी जाने वाला हूँ मैं इनके पास दोबारा से। उन्होंने मेरे को बोला है कि आप जब भी आपके पास समय हो तो एक बार आप आ जाएं, क्योंकि गैप है काफी। जो अगर इसकी हाई बीम अगर हम देखें ना तो हाई बीम काफी ऊपर चली जाती है इसकी, तो उसको एडजस्ट कर सकते हो आप वहां पे। एडजस्ट कर लिया, लेकिन इस एडजस्टेबल जो एडजस्टेबल नोब है ना उसमें भी फिर भी अगर काफी गैप है। अच्छा हाँ ऐसा है। हाँ, और बाकी आउटपुट कैसे, मतलब क्लियर विजन वगैरह कैसे? विजन क्लियर है, विजन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि मैं जब बीकानेर से आया तो रात हो गई थी काफी। ये बात है। तो और स्पेस वगैरह सर कैसा लगता है आपको? स्पेस तो बहुत अच्छा है स्पेस। अभी अब हम लोग अभी 5 एडल्ट अभी हम वृंदावन से ट्रिप करके आए हैं, अभी हम लोग 5 एडल्ट। हाँ बिल्कुल। कैसा कंफर्टेबल है फैमिली? कंफर्टेबल सब आराम से बैठे थे, कहीं कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सब खुश है इससे गाड़ी से। गाड़ी मैं कहता रहूँ ना, सब इसमें खुश हैं और सबको पसंद भी है। तो सर एक बात बताओ मुझे, सबसे ज्यादा आपको इस AMT के अंदर, टाटा पंच के अंदर क्या चीज पसंद आई है? एक तो डिज़ाइन, देखिए हमारी क्या है कि फेवरेट जो है वो तो हैरियर है, लेकिन हैरियर का इतना बजट अभी था नहीं, तो हैरियर में वो अगर AMT भी लोगे तो 20-22 लाख के 20 लाख के आसपास पहुंच जाती है, तो ये हाफ प्राइस में है, लेकिन उतना लुक तो हैरियर का ही, एक तरह से मिनी हैरियर ही है ये तो। कल सर हमारे साथ भी हो गई थी, हैरियर खड़ी थी, पीछे भाई बैठा था, बोला देखिए ये पंच खड़ी है एक और, मैंने कहा पास में जाके वो जो जिसके पास पंच होती है ना तो उसको दूर से हैरियर पंच ही लगती है। अब हमारे पास दो है ना इसलिए। और सर इसका इंटीरियर वगैरह का डिजाइन? इंटीरियर बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे कोई इसके अंदर नहीं है क्या लेग वो, मतलब इसे इंटीरियर के अंदर जो होता है ना काफी स्पेस वगैरह, ऐसा कुछ नहीं फील हुआ आपको कहीं इंटीरियर एक्सटीरियर में लुक वाइज? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है, ये थोड़ा सा हार्ड है। मुझे बस सिर्फ एक ही शिकायत है इनसे कि इसमें जैसे जो हल्की सी झंझनाहट की जो आवाज आती है ना वो इसमें है, गड्ढों में आती है। आप जैसे अगर आप अभी बींगे की ऑटोमेटिक गाड़ी है, अब अगर आप इसको जैसे आप अभी मैं रेस दूंगा तो ये हल्का सा क्या होगा जब आप इसका RPM बढ़ेगा, आप इसमें क्या जैसे इको मोड है और सिटी मोड है, तो जैसे आप रेड लाइट पे रुके हो तो क्लच वाली गाड़ी में तो क्या होता है कि आप क्लच दबाओगे और स्पीड दे दोगे, आप आराम से निकाल ले जाओगे गाड़ी को, लेकिन इसमें क्या है कि जैसे आप दोगे तो वो RPM का तो है सेटलमेंट, उससे क्या होता है कि थोड़ा सा जो नॉइज है ना जो इसमें जो आगे जो डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड जहाँ खत्म होता है तो वहाँ पे इन्होंने एक आप देखेंगे तो एक वो लगा रखा है इन्होंने कुछ लगाया हुआ है तो हाँ। वो क्या कि वो वाइब्रेट करता है तो उसकी आवाज आती है। ये ना कहीं ना कहीं सर इनके फिट एंड फिनिश में दिक्कत थी, फिट एंड फिनिश में बिल्कुल टाटा को बहुत ध्यान देना पड़ेगा। मैं अभी लास्ट टाइम गया था तो इनकी जो मेरी जो गाड़ी की जो बैकलाइट है, बैकलाइट में बेसिकली क्या है कि गैप है, छोटा सा गैप होता है, जैसे अगर टेल लाइट आप कहते हैं जिसको, बहुत ज्यादा गैप है सर, गैप था तो वो मैंने उसको सही एडजस्ट कराया। आप भी अगर अपने उसको बोलिएगा, अभी आप जाएंगे तो उसको बोलेंगे कि इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना, तो एक तरफ ज्यादा था एक तरफ कम था। अच्छा। मैंने उनको दिखाया, मैंने कहा भाई इसको तो सेट कर दो, तो उसने उसको गाड़ी को सेट किया। एक इनका मुझे शिकायत है जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। प्रॉब्लम ये है कि जो अपना जो अपन ये यूज करते हैं ना पीछे, क्या कहते हैं उसको, वाइपर, रियर वाइपर, वाइपर नहीं अपना जो डीफोगर है, जो डीफोगर का जो वेंट है, जो कनेक्टिविटी वाला है, उसी में इन्होंने क्या कर रखा है, जो ट्रे पार्सल ट्रे का वो दे रखा है साथ में। अगर आप जैसे ही बूट ओपन करते हो
तो वो ट्रे ऊपर आती है और जो ट्रे का जो डोरी लगी हुई है वो डिफोगर वाले क्लिप के साथ ही होती है, तो वो क्लिप बाहर आ गया, क्लिप बाहर आता है, क्लिप बाहर आ जाता है। मेरे साथ भी ये शिकायत है, आ गया वो सर बाहर बिल्कुल। तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा भाई ये क्या चक्कर है, इसको आप या तो टाइट करो। फिर उन्होंने बोला कि सर ये थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है ये, और जबकि ये अल्ट्रोज में नहीं है, अल्ट्रोज में बहुत अच्छे मैनेजमेंट है, पंच में ये मेरे पास भी है, उसमें भी यही दिक्कत है सेम। हम जैसे ऊपर करते हैं एक साइड वाला निकल के बाहर निकल के आ जाता है। तो मैंने उसको बोला, फिर मैंने उसको क्लिप व्लिप लगा करके थोड़ा, फिर मैंने उनको थोड़ा सा तेज बोला, मैंने कहा यार ये क्या तरीका है यार, इसको सही करो आप। तो उन्होंने इसको थोड़ा सा, अब नहीं होता। फिर मैंने थोड़ा सा ये कर रखा है कि जब खाली है तो उसका जो डोरी है वो हटा रखी है, क्योंकि ट्रे तो ऊपर काम तो आती नहीं है, ट्रे पे कुछ रखते तो है नहीं ऐसा कुछ भी। अच्छा, तो सर एक बात और बताओ, बूट स्पेस का क्या सीन है, कितना है स्पेसिफिक बूट स्पेस? इनफ है, मतलब देखिए बूट स्पेस उसके लिए कम है। अब बूट स्पेस तो अगर आप चाहोगे तो कोई सी भी गाड़ी का भी कम पड़ जाएगा। अब मुझे इसमें कोई सामान तो ढोना नहीं है इसमें मेरे, अगर हम बात करें कि हम कपल है, एक कपल का सामान या एक फैमिली का पूरा, आप कम से कम भी मान के चलिए 4 बैग 5 बैग आराम से आते हैं, सफिशिएंट आ जाते हैं, आराम से आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। फिर तो बढ़िया बात है। तो ये तो हो गया इसका। सर अब ये बताओ मॉडिफिकेशन आपने क्या क्या करवाया? मॉडिफिकेशन पे मैंने इसमें कोई, मुझे आफ्टर मार्केट कुछ चीजें लगवानी नहीं थी, टाटा की तरफ से सब कुछ मिला हुआ है। मैंने सिर्फ इसका एक तो ये फुटरेस्ट जो अपने ये होते हैं डोरमेट्स लगवा, जो मैट लगवाया है, मैटिंग कराई है, और एक इसका जो नीचे जो डोरमेट वो लगवाया है, कारपेट जो कहते हैं जिसे अपन, वो लगवाया, और एक इसके ये सन वाइजर जो बाहर से होते हैं रेन वाइजर, ये भी बड़े सही लग रहे हैं सर। हाँ, ओरिजिनल है टाटा ये? नहीं, ये मैंने आफ्टर मार्केट दिल्ली से मंगवाया है। और एक ये सीट कवर बड़े प्यारे, सीट कवर मैंने, हमने इसके पीछे भी कहानी, ये हमारे सीट कवर हमारे एक यहाँ पर है नोन, मेरे को मेरे 4-5 गाड़ियां मैं उन्हीं से लगवाता आया हूँ, मैंने कभी भी वो नहीं करवाया बाहर, मतलब कंपनी उसे नहीं लगवाए। तो सीट कवर है वो काफी अच्छे जो है सीट कवर लग रहे हैं। सीट कवर सर ये हमने खुद ने डिजाइन, हमारे मेरी जो वाइफ है उन्होंने गूगल पे देखा और फिर उन्होंने कहा कि मुझे इस तरह से बनवाने, तो फिर हमने यहाँ पे बनवाए। ये जो ब्लू कलर का है ये ढूंढने में बड़ा बहुत टाइम लगा, ब्लू के साथ ही मैच हो रहा है, ब्लू के साथ, इसमें व्हाइट स्टिचिंग भी हमने खुद ने करवाई है। अच्छा, नहीं 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 काफी अच्छा है। और ये जो यहाँ पे डोर पे व्हाइट है ये गंदा नहीं होता सर? गंदा अभी तक तो हुआ नहीं, लेकिन हाँ इस पे हाथ रखते हैं तो जरूर होता है। अच्छा, और ये है देखिए आपको मैं ये दिखा देता हूँ, डोर वाइजर है कुछ इस टाइप से, जो डोर वाइजर है। स्पेस कौन सा बता रहे थे सर आप? स्पेस यहाँ पर था ये जो है ना, इस तरफ ज्यादा था ये जो एरिया है, फिर उन्होंने हेडलाइट जो टेल लाइट है उसको थोड़ा सा खोल कर एडजस्ट किया उन्होंने इसको, फिर भी स्पेस सर इसका, फिर भी स्पेस है, क्योंकि अगर जैसे आप गाड़ी चलती है पीछे से धूल मिट्टी अंदर जाती है, बहुत स्पेस टाटा वालों के साथ ये बहुत ज्यादा जाती है इसके अंदर, बाकी तो और कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो सर और कोई कमी आपको इसके अंदर, तारीफ तो आपने बहुत कर दी, कमी है कमी देखिए, एक तो प्लास्टिक क्वालिटी वो है, जो अगर आप इतना पैसा खर्च कर रहे हो तो क्वालिटी तो थोड़ी सी तो इन्होंने ये करा है। एक इसमें अगर इन्होंने 2-3 चीजों की कमी कर दी, एक हेडरेस्ट जो हैंडरेस्ट है, अच्छा जो पीछे वाली सीट का है, उसमें कप होल्डर नहीं दिए, वो दे देने चाहिए थे। एक आगे अगर आप दे देते अपना ड्राइवर, जो पीछे वाली सीट पे जो है हैंडरेस्ट आया हुआ है, ये भी है, एक अच्छी चीज है, देखिए है, लेकिन इसमें कप रेस्ट नहीं दिया, लेकिन कप होल्डर नहीं दिया इसमें, कप होल्डर जो है इसके अंदर नहीं दिया है। अरे वाह सर ये तो बढ़िया है, हमारे पास ये नहीं है, मिस करते हैं। और एक आगे आपको जो है मिस होता है आगे, कभी कभी भाई लगता है कि कुछ तो हाथ रख, भाई लंबा चलते हैं क्योंकि ऑटोमेटिक है, इसमें ऑटोमेटिक है, ये तो गाड़ी सर मेरे साथ भी है, मैं खुद देख रहा हूँ कि ऑटोमेटिक है गाड़ी, अब एक हाथ को कहाँ यूज करें, इसलिए तो इसके हिसाब से जो है होना चाहिए। नहीं सिर्फ इसमें एक तो ये लगवाया है वाइजर, एक ये लगवाया है। ये कितने का है आपका? ये मेरे को शायद 450 या 500 रुपये का पड़ा। अच्छा, और बाकी इसमें मैंने और कुछ भी नहीं लगवाया, ना ही लगवाने की कोई इच्छा है। अच्छा एक बात बताओ, ब्लू कलर आपने लिया है, ड्यूअल टोन के अंदर लिया है, लुक वाइज तो काफ़ी अच्छा है, इसकी मेंटेनेंस? मेंटेनेंस में रोज़ सफाई होती है गाड़ी की, सफाई डेली होती है, डेली हमारी दोनों गाड़ियां हैं, दोनों गाड़ी पर साफ करने वाला आता है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छा चलो, ये तो और कुछ सर आपकी तरफ से? इसमें एक एंड्रॉयड, जैसे अगर आप एंड्रॉयड ऑटो एंड्रॉयड है इसमें, अगर आप वायरलेस दे देते तो बहुत बेस्ट होता। अब अच्छा, इसमें वायर वाला है, एंड्रॉइड ऑटो वगैरह, हाँ एंड्रॉइड ऑटो में जो है वायरलेस नहीं है, ये बहुत बड़ी कमी है। तो इसका म्यूजिक सिस्टम का जो टच रिस्पांस है वो कैसा लगा? वो थोड़ा सा लैगी है, लैगी है, मैं वही बताने उसी बात पे आ रहा था। एक इसमें एंड्रॉइड ऑटो में अगर अपन ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं तो गाना आगे हो जाएगा, लेकिन अगर आप जैसे इसको अगर आप एंड्रॉइड ऑटो में लगाओगे तो गाना आगे नहीं होगा, सिर्फ वॉल्यूम कंट्रोल हो सकती है बस।
अच्छा, बाकी इसका ये है बाहर का हेडलाइट यूनिट वगैरह कुछ इस टाइप से? इसकी हेडलाइट पे थोड़ा सा और इनको काम करना पड़ेगा, क्योंकि हेडलाइट का जो थ्रो है ना वो सर पता नहीं टाटा वाले क्या चाहते हैं, हेरियर के अंदर भी इतना गंदा थ्रो दे रखा है इन्होंने। एक हो सकता है कि या तो मेरे लिए मुझे लगता हो ऐसा, क्योंकि एक मुझे ब्रेकिंग का थोड़ा सा लगता है हल्का सा। ब्रेकिंग है सर, इसकी ब्रेकिंग है ना बहुत वो है। आपको क्या लगता है, मेरे साथ भी प्रॉब्लम है ये ब्रेकिंग थोड़ा सा इसकी। मैंने उनको बोला भी था, मैंने कहा इसमें ब्रेकिंग का है, तो उन्होंने बोला कि सर अभी थोड़ा सा जब सेकंड सर्विस 6000 आप चलाओगे ना इसको, तब थोड़ा सा आप हैबिचुअल भी हो जाओगे और आपको सही भी लगेगी। हाँ वो हैबिचुअली हो जाएंगे सर, ब्रेकिंग वो है बहुत, मतलब जो ब्रेक बाइट है ना इसका बहुत स्लो है थोड़ा, बहुत एकदम पूरा प्रेस करना पड़ता है, कई बार बहुत तेजी से लगाना पड़ता है अगर कोई अचानक से सामने आ जाए तो पीछे क्या सेफ्टी रहेगी। और एक सर इसका जैसे बताते हैं कि इसका लॉक वाला जो है सिस्टम है, उसमें कहीं आपको फील हुआ बच्चे वगैरह के लिए जैसे जो लॉक है अंदर का? देखिए हमारे घर में कोई छोटा बच्चा है नहीं, है नहीं, तो इसलिए मुझे उसकी कोई जरूरत भी नहीं पड़ी अभी तक। एक मुझे इसका फीचर मुझे बाद में पता लगा कि जो कॉर्नरिंग हेडलैम्प है, हाँ कॉर्नरिंग हेडलैम्प है, जैसे आप टर्न करोगे वो टर्न करेंगे, अगर आपने जो फोग लैम्प है अगर आपके फोग लैम्प ऑन है तो वो वर्क नहीं करेगा कॉर्नरिंग। अगर आपने जैसे फोग लैम्प ऑन नहीं कर रखा है, अगर आप स्टीयरिंग राइट काटोगे तो राइट वाला जलेगा, लेफ्ट की तरफ काटोगे तो लेफ्ट वाला जलेगा। अच्छा, तो फोग लैम्प के साथ ये काम नहीं करेगा? फोग लैम्प अगर आपने ऑन कर रखा है हेडलाइट के साथ, फोग लैम्प ऑन कर रखा है तो ये काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आपका खाली हेडलाइट यूनिट ऑन है तो अगर आप अगर लेफ्ट में टर्न करोगे तो लेफ्ट वाला फोग लैंप ऑन हो जाएगा। अच्छा, इसके अंदर एक ऑटो स्टॉप स्टार्ट वाला ऑप्शन नहीं है ना? वो इसमें ऑटोमेटिक की वजह से नहीं है, ऑटोमेटिक की वजह से नहीं है वो चीज, मुझे लगा मेरे वाले में नहीं है, टॉप मॉडल में कहीं हो। नहीं नहीं, ऑटोमेटिक में नहीं आएगी वो तो ये है। तो सर एक बात बताओ, आज अगर आपको 10.5 लाख रुपए दें तो आप कौन सी गाड़ी प्रेफर करोगे? देखिए ऑटोमेटिक में नहीं, अगर नहीं जाना होगा तो बहुत सारे ऑप्शन है। कौन कौन से है जैसे कि? देखिए मैं अगर आप हैचबैक की बात करेंगे तो हैचबैक में तो मैं जाऊंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हैचबैक हो चुकी है, ठीक है सारी हैचबैक हो चुकी है, या तो सेडान, तो सेडान में अभी स्लाविया। हाँ स्लाविया बहुत अच्छी गाड़ी है ये, बिल्कुल, क्योंकि बल्कि और थोड़ा सा अच्छी गाड़ी है, लुक भी बहुत शानदार है और सेफ्टी रीजन भी है और गाड़ी बहुत अच्छी पावरफुल गाड़ी है। और ऊपर, इससे ऊपर? इससे ऊपर या तो फिर हैरियर। हैरियर 10.5 में नहीं आएगी सर? 10.5 10.5 नहीं। चलो तो दोस्तों ये था टाटा पंच का पूरा ओनरशिप रिव्यू सर की तरफ से, जो जयपुर के अंदर फर्स्ट गाड़ी है इन्हीं की थी। और मैंने आपको बताया था बीकानेर संभाग में हमारी फर्स्ट गाड़ी थी और जयपुर में सर की थी, तो मेरा आज जो आना हुआ तो मैंने इनसे मीटअप किया। और एक बार मैं फिर आपको दिखा देता हूँ कुछ इस टाइप से है, और अंदर का इंटीरियर दिखा देता हूँ मैं एक बार। यहाँ पे जो है आपको इसके अंदर कीलेस एंट्री मिल जाती है, ये देखिए ये कुछ इस टाइप का इंटीरियर है। ये सर 90° डोर वाला आपको कुछ बेनिफिट हुआ? बहुत बेनिफिट है, बिल्कुल है। अच्छा, और ये की है सर ने की के ऊपर कवर चढ़ा रखा है, क्योंकि ये की यूज तो होती नहीं है, तो कवर चढ़ा के इसको रख देते हैं। कुछ इस टाइप से जो है इसका ये है, देख लीजिए आप इंटीरियर सीट कवर वगैरह चल रहे हुए हैं। ये इसके अंदर ड्यूल टोन वगैरह के अंदर आया हुआ है, और ये यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है की का कुछ सिस्टम है, पता नहीं किस लिए दिया है। और स्टॉप स्टार्ट का इसके अंदर बटन आता है, और पीछे का भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये देखिए कुछ इस टाइप से जो है ये है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको भी कोई ओनरशिप रिव्यू शेयर करना है तो नीचे जो है मेल आईडी दी गई है, उस पर जो है आप कनेक्ट कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे पिंग कर सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।